ही बुरा हाल हो चुका है पेट्रोल पंप पे, लाइन पे लाइन लगी जा रही है, स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। देखो ये यहाँ पर भी साइड लाइन लग गई दूसरे पेट्रोल, तीसरे चौथे पेट्रोल पंप पे मैं अपना भी हो गया वापसी आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे लाइन पे लगा रहा हूँ कि वहाँ पर पेट्रोल अच्छा नहीं मिलता, इसलिए मैं वहाँ से वापस आया हूँ। और ये भी कम से कम आधा किलोमीटर की लाइन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, देखो पेट्रोल बहुत आगे जाके है, इतना आपको मैं दिखा सकता हूँ, उतना दिखा लेता हूँ आपको। जेसीबी खड़ी बीच में गाड़ी और पेट्रोल दो लास्ट में जाके है, देखो दिख रहा आपको बोर्ड। तो ये स्थिति हो चुकी है, अब गाड़ी खड़ी कर बैठ जाते हैं आराम से यहाँ पर, क्योंकि बैठना ही पड़ेगा अब, क्योंकि जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तभी हमें पेट्रोल भर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको भी थोड़ा सा, तो लाइन लगी है और लाइन आगे तक लग रखी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाल है देखो। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है पेट्रोल पंप पे, लाइन पे लाइन लगी जा रही है, स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। देखो जानी हो गई सारे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो रही है कि जो इस कानून की वजह से ये सबको मुसीबत उठानी पड़ रही है। तो सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस कुछ कानून में बदलाव किए जाए। मुझको एक घंटा होने वाला है कम से कम, ठीक है, और मैं अब जाकर एक घंटे लगभग पहुँच चुका हूँ, तो नंबर आ ही जाएगा, तेल मिल ही जाएगा। लेकिन पीछे की जो वो है मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, कोशिश करता हूँ दिखाने की कोशिश कर, देखिए कितनी भीड़ है, तो गाड़ियाँ आ ही रही है, अभी लाइन पर लग रही है। तो हमारा तो नंबर भाई आ चुका है, पहुँच ही चुके हैं, तीन चार गाड़ी से बाद हमारा नंबर है। ये तो कितनी है, ज्यादा भीड़ है, तो बंद का हाल फिलहाल। हम भी लाइन में लगे थे दो घंटे, तीन घंटे, ढाई तीन घंटा होने वाला भाई, अभी हाल हो रहा है, यहाँ पे लगी जाएंगे देखो। टू व्हीलर तो कम से कम देखो 150-200 करेंगे, कुछ निकल के भी गए। भाई साहब नंबर आने वाला हमारा, तो इसलिए हम बस होने वाली तैयारी भरते हैं तेल डीजल।